प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। मैं मंगल को लेकर के, मंगल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके लिए स्थिर समाधान और बहुत सरल और बहुत ही प्रभावी जो समाधान है, मैं उसी समाधान की आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ऋण मोचन मंगल स्त्रोत्र, ठीक है भाई? छोटी सी पुस्तक है ऋण मोचन मंगल स्तोत्र की। ये मंगल स्तोत्र किन किन चीजों में प्रभावी हो सकता है? यदि बहुत सारे लोगों के जीवन में पारिवारिक कलह क्लेश की स्थितियां बन जाती हैं, जब भी मंगल आपकी कुंडली में वीक हो तो कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थितियां प्रतिकूल, खासकर पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थितियां बन जाती हैं, या फिर प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलता है। भूमि हो, आपकी दुकान है, मकान है, गाड़ियों का काम है, वाहन के जो सुख है, ये सभी मंगल के अंडर में कहीं ना कहीं आते हैं और इसलिए इन सब के लिए मंगल को स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तमाम ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं कि जिनके जीवन काल में ये देखा जाता है कि मंगल उनके प्रतिकूल विरोधी होने पर उनको पूरे जीवन काल में पूरी मेहनत लगा करके, यहाँ तक कि इवन हमने ये भी देखा कि फैमिली के 3-4 लोग अच्छी खासी सर्विस में हैं, लेकिन मकान नसीब नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई अड़चनें आ जाती है। जमीन है, बहुत मुश्किल से ली गई, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सुख उनके जीवन में जो होना चाहिए पूरे जीवन वो जो है रेंट के हाउस पर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मंगल का स्ट्रांग होना बहुत ही अधिक जरूरी हो जाता है और मैं उसी के लिए एक आपको ऐसा प्रभावी उपाय बता रहा हूँ जो हमने न जाने कितने लोगों पर हमने इसका रिसर्च किया है और उन लोगों का इसका लाभ मिला है, उनका रिजल्ट मिला है और आप लोग ही हमें बताते हैं कि हमने इस चीज को आपके बताए हुए काम को किया और हमें इसका इतना लाभ मिला है। विस्तार से अनुष्ठान के रूप में तो इसकी विधि बहुत अलग हो सकती है, आप उसको किसी योग्य आचार्य के द्वारा करवा भी सकते हैं, लेकिन आप नियमित रूप से यदि एक पाठ या 5 पाठ प्रतिदिन आप कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट आप 30 से 45 दिन के अंदर आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा कि वास्तव में इस सूत्र का क्या प्रभाव। बहुत सारे लोगों पर हमने इसका अनुभव किया। अगर आप 11 पाठ प्रतिदिन करें तो आप देखिएगा, 11 पाठ 21 पाठ आप करके देखें, 45 दिन के अंदर आप हमें स्वयं फोन करके बताएंगे कि हाँ जी हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है। आपके लिए पाठ बहुत अनुकूल हो, मैं आपके लिए इस प्रकार से स्तुति सामने लेकर के आ रहा हूँ, आप इस विधि से इसको पाठ करें। सबसे पहले जो नियम है, अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, मैं अगली वीडियो में इसके लिए विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ आप स्तोत्र को पढ़ें और उसको याद कर लें, इसके लिए आप मेरे साथ चलिए आगे देखते हैं। ओम श्री मंगलाय नमः। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिराशनो महाकायः सर्वकर्माविरोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमस्येव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजानामानि नित्यं या श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिशमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च तं मंगलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रं अंगारकस्येतत् पठनीयं सदा निर्भी नतीसां भौमुजा पीडा स्वल्पा अपि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये अपमृतवः भयक्लेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतीवक्र दुराराध्य भोगमुक्त जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं
रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरंची शक्र विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रां देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशभि श्लोके यः स्तौति च धराश्रुतं महतीं श्रियमाप्नोति आपरो धनदो युवः जय जय स्कंदपुराणे भार्गव प्रोक्तं ऋणमोचन मंगलस्तोत्रं श्री भौमदेवाः अर्पणमस्तुः।